सो गाइस, ये रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत आ रही थी कि भाई नितिन भाई के कोच से मिलना हमें. आपने देखा नितिन को हमने फीचर करा हुआ एक दो वीडियोस में और आपने बहुत प्यार दिया. बाय द वे नितिन अभी ओवरऑल टाइटल जीते हैं, तो नितिन कांग्रेचुलेशंस भाई. तो ये टाइटल जीत चुके हैं, लेकिन इनके सक्सेस के पीछे, इनकी बॉडी के पीछे ऑब्वियसली कोच का हाथ होता है. तो मैं आज आपको उन्हीं के कोच से मिलाने वाला हूँ, बिकॉज वो कई अच्छे अच्छे लड़के तैयार करते हो. और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि 22 साल का नितिन है, अब इसकी उम्र को भी लेके, लेकिन कई लोग जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, नितिन इज़ वन ऑफ देम. तो कई सवाल उठते हैं कि यार चैंपियन कैसे बनता है, कोच की क्या इंपॉर्टेंस होती है. तो मैं आज आपको उनके कोच से मिलवाने वाला हूँ और वही आपको बताएंगे कि उन्होंने नितिन को कैसे तैयार किया. लेट मी टेल यू, जो नितिन इनका अपना जिम है, मैंने आपको दिखाया था फरीदाबाद में जो हमने फीचर करा था, वो वहाँ से इनके जिम में आते हैं जो एक बेसमेंट जिम है. रोज 1.5 घंटा एक वन वे ट्रैवल करके और 1.5 घंटा वापस जाना, फिर इनके साथ ट्रेन करना. मेहनत तो करनी पड़ती है अच्छी कोच के लिए. अब उन कोच की क्या फिलॉसफी है, कैसे उन्होंने उनको तैयार किया है, इनकी टिप्स आपको बहुत हेल्प करेंगी अगर आपको भी तैयार होना है. और हाँ, एंड में मैं इनका डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डिटेल्स भी डालूंगा, अगर आपको भी यू नो यू वांट टू गेट इन टच विद हमारे टाइगर भाई, वो आपको हेल्प कर सकते हैं. सो उन मेरे साथ आज बैठे हुए हैं हमारे, जैसे मैंने आपको बताया, टाइगर भाई. कैसे टाइगर भाई? सो टाइगर भाई हैं हमारे नितिन भाई के कोच. तो भाई मुझे बताओ, मैं इसको 1 साल पहले मिला था नितिन को, तब से हमें बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है मुझे क्वालिटी वाइज, सब कुछ वाइज. तो कैसे तैयार करते हो भाई आप चैंपियन, क्योंकि मुझे लगता है ये फ्यूचर है इंडिया की बॉडी बिल्डिंग का. बिल्कुल फ्यूचर है भाई. पहले तो आप जैसे मतलब आजकल बच्चों में बहुत जल्दी, मेरे को बहुत जल्दी बनना है और 6 महीने एक्सरसाइज करनी है, लेकिन 6 महीने के बाद बनना है. ये जब मेरे पास आया था, मतलब रोज़ ऑलमोस्ट बच्चे आते रहते हैं, इसने कहा मुझे बॉडी बनानी है, ये करना है, वो करना है, फलाना करना. मैंने कहा चल ठीक है, बॉडी बनानी है तो जी, माँ पहले बात करते हैं. तो आता रहा आता रहा आता रहा, जब मैंने इसने देखा यार इसमें तो सच में डेडिकेशन है, बंदा बहुत दिल से कर रहा है, बहुत ईमानदारी से कर रहा है. मतलब बोल दिया इसको कि 4 घंटे सोना है तो 4 घंटे ही सोना है, ये ऐसा है. और 100 ग्राम पानी पीना तो 100 ग्राम ही, 100 ml पीना है, इस टाइप का. मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि ब्लाइंडली फॉलो करता है, ब्लाइंडली. और सच्चाई ये है कि टाइम लगता है भाई. इसको मैंने पहले दिन ही बता देता, ये मैं सोच तू 1 साल में चैंपियन बन जाएगा, 2 साल में बन जाएगा. मैंने कहा 10 साल भी लग सकते हैं. इसने कहा भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 साल लगेंगे लेकिन करूँगा. तो तब से ये स्टार्ट हुआ. और ये बंदा मतलब इतनी दूर से सब कुछ होने के बावजूद, इसका अपना जिम है, खुद के ट्रेनर है, सब कुछ होने के बाद भी वहाँ से यहाँ रेगुलर आता है. तो जब से मैंने इसको शुरू कराना शुरू करा, सीरियसली इसने जब पहली बारी जब डाइटिंग करी ना, तो मैंने सोचा टूटेगा, ये गिरेगा, लेकिन नहीं टूटा, नहीं गिरा, चलता रहा चलता रहा चलता रहा. 8 से 9 महीने इसने रोटी नहीं खाई थी, सोच सकते हो आप. जब ये 8 से 9 महीने में आ गया ना, मैंने कहा अब मैं तेरे साथ लगूंगा. फिर जब मैं इसके साथ लगा, फिर हमारी जर्नी चलती रही चलती रही. और भी लड़के आते रहे, करते रहते हैं करते रहते हैं. पता क्या होता है, लड़के 1-2 कॉम्पिटिशन खेल लेते हैं, फेसबुक वगैरह पे चले जाते, फोटो तो बन गए, हीरो हो गए, टारगेट ख़त्म. लेकिन इसका टारगेट ही अलग है, बहुत ही अलग है. आप ही बताओ, इसने तो बता रखा है आपको, आपने क्या टारगेट दे रखा है इसको? मैंने तो इसको टारगेट दे रखा है कि अभी तो तू सोच ले कि जब भगवान राम को भी 14 साल बाद वनवास काटा था, तो तेरा वनवास चल रहा है अभी 14 साल, भूल जा कि तू कुछ बना है. 14 साल जब तू कर लेगा, तब जाके तेरे को कुछ राज पार्टी जो बॉडी का ना, तब मिलेगा. अच्छा, तो अभी तो 2 या 3 साल ही हुए. मैं कहता हूँ अभी अपने आप को कहीं गिन मत, कहीं नहीं स्टैंड करता तू, और कहीं भी मत गिन, 0 है. ये इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स वॉलोवर्स हाय हेलो बॉडी में फ़ोटो खींचनी है, मैंने कहे तो हर गली में होती है मेरे भाई. अभी मत गिन, जब 14 साल बाद तू किसी की गिनती में खड़ा होगा ना, तब जाके अपने आप को मानियो. क्या बात है भाई, मतलब आपने सीधा 14 साल दे दिए भाई को. 14 साल तभी तो मैच्योरिटी, तभी मुझे बता रहा था नितिन लास्ट इंटरव्यू के कि मेरी मैच्योरिटी नहीं है अभी. हाँ. मुझे काफ़ी मेहनत करनी है अभी, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अपनी बॉडी से कुछ नहीं. तो मतलब ये आपका दिया गया है सारा. हाँ बिल्कुल, अगर जो 14 साल खेलेगा तो ये लोगों को पेलेगा, वरना तो ये पिलते ही रहेगा. अगर 14 साल खेलेगा तो लोगों को पेलेगा. हाँ अभी नहीं है भाई, अभी तो ये सोचे कि चलो आज यहाँ बन गया वहाँ बन गया. लेकिन ये सोचो कि जो चैंपियन है ना, अभी नहीं खेल रहे हैं, जो तू खेल रहा है, जब वो खेलेंगे तब पता चल रही तू हार के तो क्या करेगा. तो आपने तो कोई तरीका है मतलब टाइगर भाई की, मतलब किस तरीके से तैयार कर रहे हो, किसको इंडिया का फ्यूचर बनाने के, उसे कैसे तैयार कर रहे हो आप, मतलब आपकी क्या फिलॉसफी है तैयारी का? मैं इसको सोचता हूँ, जो मतलब अपनी सोच है कि इसको इंटरनेशनल प्लेयर बनाएंगे इंडिया का. और अभी मेरी बात भी चल रही है कैलिफोर्निया में, US में, जहाँ पे सबसे बड़े बॉडी बिल्डर होते हैं LA. हाँ, वहाँ पे मेरी किसी से बात चल रही थी, मेरी क्लाइंट ही है. तो अगर जो बैठी बात, तो इसको मैं वहाँ भेज दूंगा ट्रेन होने के लिए ही. प्रॉपर 1 साल वहीं ट्रेन रख रहेगा, सब कुछ उनका होगा, खाना पीना रहना वहना. तो अगर जो कुदरत ने चाहे, तो शायद भगवान ने चाहे, तो देखो हो जाएगा. 2 साल में ये ओलंपिया में पहुँच जाएगा, वहीं पार्टिसिपेट करेगा अनमेचर ओलंपिया में, और वहीं खेलेगा. फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ तक. भाई सोच ही तो होती है, सोच से तो आदमी आगे जाता है. सोच ही अगर आप छोटी रखोगे तो छोटी रह जाओगे ना भाई. सोच है ये, अपनी तरफ से प्रेफर लगा रहे हैं और अपनी तरफ से हम भी प्रेफर लगा रहे हैं कि देखो मेरे को तो शायद लोग जानते हैं,
बहुत ही, और यहाँ से क्या बाहर भी जानते हैं, तो उनसे मैं अपनी अप्रोच लगा रहा हूँ कि भाई इसको बुलाओ। वो कहते हैं आप आओ। मैंने कहा मैं नहीं, मेरा छोटा भाई है, ये आएगा, इसके अंदर है और ये करके आएगा, तो इसको बुलाओ, रखो, बनवाओ, ट्रेनर देना है ट्रेनर दो, जो देना है जो, जैसे मर्जी करो लेकिन करवाओ। एक बात बताओ भाई कि अगर किसी को जो आपको लोग देख रहे हैं उनको ऑब्वियसली बनना है, अच्छी अच्छी फिजिक चाहिए, आपका तो खैर टारगेट ही दूसरा है, लेकिन टारगेट तो छोटे छोटे से लिया जाता है ना, छोटे से पहले छोटा 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 छोटा, तो आपकी कोई ट्रेनिंग फिलॉसफी रहती है नितिन को ट्रेन करने में या किसी को भी ट्रेन करने में कि मैं कैसे ट्रेन करते हो आप? मैं पहले ना जैसे फ्रेशर बच्चा आता ना, पहले उसको चेक करता हूँ कि इसके अंदर कितना पावर है, ऐसे तो वरना तो रोज़ ही आ जाएंगे। मैं तो सबसे बोलूँगा भाई रोज़ आ जाओ, रोज़ आ जाएंगे। तो अक्सर क्या होता है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर 3 किलोमीटर दूर पर ही बच्चे नहीं आते हैं, और अगला 30 किलोमीटर दूर से रोज़ आ रहा है, तो जो 2-3 किलोमीटर दूर से भी नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए तो बॉडी बनाना तो पता नहीं क्या होगा। तो 30 किलोमीटर दूर बनाने के लिए आ रहा है, उसके लिए तो फिर ड्रीम ही है ना। तो मैं तो पहले बच्चों को लगन देखते हो, लगन देखता हूँ कि भाई रोज के तो मेरे को तो 200 पुशअप करके दिखा, ठीक है, और कितनी बार में कर रहा है ये करके दिखा। चिन्ह पहले अपना बेस तो बना, जो बेस बनाने में बच्चे निकल लेते हैं, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं यार 6 महीने हो गए वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे, बॉडी नहीं बनी, कहीं और बनाते हैं, चलो कहीं और बना लो। लेकिन शॉर्टकट कुछ नहीं है भाई, किसी भी चीज़ में शॉर्टकट नहीं है, ना पढ़ाई में, ना बॉडी में, ना पैसा कमाने में, कोई शॉर्टकट नहीं है, टाइम लगता है। आपने इनकी डाइट क्या रखते हो भाई, जैसे क्या इसकी डाइट अलग से होती है, कुछ होती है, कैसे आप डिज़ाइन करते हो डाइट भी? हाँ, डाइट भी मैं ही डिज़ाइन करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बहुत अलग खाते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ जो लोग नॉर्मल खाते हैं उनके जैसा बिल्कुल नहीं खाते। जैसे मुझे एग्जांपल, जैसे हम मीठा वगैरह से थोड़ा अवॉइड ही करते हैं, ठीक है। बड़ा मुश्किल होता होगा देसी आदमी के लिए तो मीठा अवॉइड करना, इसको तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक दिन कॉम्पिटिशन खेल के आया, मुझे तो बताया नहीं इसने, मेरे कज़न को बता दिया कि भाई ये वो है, मेरा बड़ा दिमाग खराब हुआ करा, 1 किलो हलवा खा गया गाजर का। अब मैंने कहा 1 किलो हलवा, मैंने कहा 1 किलो मैंने खा लिया तो 1 महीने तक सोते रहूँगा, मैंने गया कहाँ हलवा? कह रहा भाई वो रुका ही नहीं गया। तो मैंने कितना खा लिया, 1-2 बाइट खा लिया होगा। मैंने कहा सच बता कितना खाया? कह रहा भाई सच बताऊँ तो 1 किलो खा गया। भाई यार मैंने कहा ऐसी चीज़ों से इसको समझा के अब जाके इसके अंदर मैच्योरिटी आई है, जो कि दिमाग में इसको पता चला है कि भाई ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बॉडी बिल्डिंग करनी है तो नॉर्मल लाइफ जीने, तो नॉर्मल लाइफ तो आदमी कुछ भी खा सकता है, ठीक है, तो मीठा भी चाहिए उसको, सब कुछ चाहिए। तो हमारी लाइफ में थोड़ा ये मीठा और जंक फूड्स वगैरह ड्रिंक विंक थोड़ा गलत अवॉइड ही करना पड़ता है। तो भाई सोता कितनी देर है? आप कुछ सोने का भी बारे में बता दें, कितना जरूरी है, आप बता दो कितनी देर सोना है, कैसे सोना है। मैं तो ये बोलता हूँ इससे कि जब तेरे को टाइम मिले ना आँख में चोर सो जा, जितना ज़्यादा सोएगा क्या है दिमाग कम चलाएगा, अगर जागेगा व्हाट्सअप करेगा, इंस्टाग्राम पे करेगा, ये करेगा वो करेगा, है तो छोटा ही ना भाई। तो इसको संभाल के भी रखना पड़ता है, इसलिए ना इमोशनल हो जाता है बहुत सारी चीज़ों में। जैसे एग्जांपल दो मुझे, जैसे कैसे हुआ? जैसे किसी ने कुछ बोल दिया इसको, कि कमेंट वगैरह में मुझे बता रहा था, कमेंट में नहीं, किसी ने अपने यार दोस्तों में किसी ने बोल दिया कि यार ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, शायद टाइगर भाई तेरे पे ध्यान नहीं दे रही है, तो ये मेरे को मैसेज मार देगा भाई थोड़ा ध्यान दे लो। मैं समझ जाता हूँ मेरे किसी ने कुछ बोला है मन पे ले गया, फिर अगला दिन बुलाता हूँ भाई मेरे का ध्यान किस चीज़ में दे लो ये बता चल, फिर समझाते हैं, फिर थोड़ा सा समझाता हूँ बिठाता हूँ इसको कि अभी मैंने कहा ये बातें आती हैं और आके चली जाती है और आती रहेंगी, ये चीज़ें याद रख लो। मैंने कहा हमने बहुत टाइम से देखी है, बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, और मैं भी खुद प्रोफेशनल हूँ, गेम वगैरह खेलता हूँ, तो हमारे पास भी आती है, सीनियर्स की आती है, जूनियर की आती है, नए बच्चों की आती है, इसकी आती है, उसकी आती है। अच्छा पॉइंट बोला भाई, ये जैसे ये तो डिस्ट्रैक्शन है मेरे तरीके से ना, कि एक एथलीट का फोकस हट जाता है, मतलब जब ऐसी बातें लोग बोलते हैं कमेंट में, बहुत बोलते हैं लोग जैसे उम्र को लेके इसकी कि 22 साल का कहाँ लगता है यार ये, कई ऐसे लोग नेगेटिव तो आपको पता ही है, जो आदमी ऊपर चढ़ता है खींचने वाले से मिलते हैं, तो आप उसको तरीके से बता दो कैसे डील करेगा इससे यार, कि मतलब आप एक, बिकॉज ये बड़ा इमोशनल है, छोटा है ना, तो कैसे बताते हो आप? मैं इसको ये समझाता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ध्यान रख, जैसे गेम है बॉडी बिल्डिंग पैशन का, ऐसी ही बातों का गेम रख अंदर की भाई, बस टाइम सबको बता देगा मैं कैसा हूँ। पैशन रख, सब्र रख, बस किसी को तू मत बोल, अगर तू बोलेगा तो तू छोटा हो जाएगा। अगर तूने किसी को पलट के बच्चे को या किसी को भी गलत जवाब दे दिया तो तू छोटा हो जाएगा। एक चीज़ है, क्या होता है अगर कोई भी बड़ा नेता हो या बड़ा कोई बदमाश हो या कोई बड़ा बॉडी बिल्डर हो, उसको कोई छोटा सा बंदा मार देगा ना, तो छोटे का कुछ नहीं जाएगा, समझ रहे हो, और छोटे को फेम मिल जाएगा और बड़े का सब कुछ चला गया, नाम चला गया, और बड़े के चक्कर में उसको नेम फेम मिल गया, तो मैंने तेरे चक्कर में कोई और नेम फेम ले जाएगा। तो किसी से बहस नहीं करनी, कुछ नहीं करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, सीधा चल, रास्ता बहुत सीधा है और मेरे भाई गोल बहुत दूर है। आपने बहुत बड़ी और डीप बात कह दी है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ गाइस। अब जैसे कोई अच्छा बॉडी बिल्डर है, कोई अच्छा फेमस आप जिस लड़के को जानते हो या कोई पॉलिटिशियन हो, कुछ भी, अब आपने कुछ उसके बारे में कह दिया, ट्रोल जिसे कहते हैं, राइट, ट्रोलर, और आप बहुत फेमस हो और किसी ने आपको ट्रोल कर दिया, लेकिन आपको बात दिल पे ऐसी लग गई कि आपने उसको जवाब दे दिया। अब क्या हुआ कि वो जो आदमी जिसको कोई भी नहीं जानता था,
ए उसको सारे जानने लग गए, टू अब उससे लोगों को ये पता लग गया कि आप तो ऐसे छोटे मोटे से लड़ रहे हो यार, तो इसका मतलब जो आपका लेवल है वो आपके लेवल पे आ गया, वो बराबर का खड़ा हो जाएगा कि आपके लेवल पे आ गया, तो किसी को मौका ही नहीं देना। तो ये सोच आपने जो दे रखी है तो बहुत बढ़िया सोच है कि भाई किसी को मौका ही ना दो कुछ बोलने का, तो मतलब जो बोलते रहते हैं सुनता रहता है, सुन अपना जिम जा, अपना खा और अपना सो, तभी बोलता हूँ कि सो ताकि दिमाग ना चलाए, क्योंकि छोटा है, देखो मैच्योर नहीं है, छोटा है, किसी ने कुछ बोला, किसी से लड़ाई कर ली, कुछ भी हो गया, एक्स वाई जेड खुद के लग गई, इंजरी हो गई लाइफ टाइम के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ये तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई, ये हो गया, कुछ टूट गया, किसी ने चलते चलते कुछ मार दिया, दुश्मनी बन गई, कल कोई ज़्यादा खड़े हो गए, लेके नीज में चला, कुछ भी चला गया, एक्स वाई जेड, और इसमें तो भाई दुश्मन भी बहुत हो जाते हैं बहुत। और इसमें तो आपको पता ना, एक छोटी, मैंने एक वीडियो किया था भाई, किसी ने ना किसी के BCA में कुछ मिला दिया और वो आदमी बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पाया, 6 महीने भाई हॉस्पिटलाइज हो गया, बताओ यार दुश्मनी है ना। अब उस लड़के को आज तक पता नहीं लगा कि क्या मिला है किसी ने, किसी ने, मैंने एक और वीडियो करा था, एक मास्टर जी आशीष मास्टर जी, उन्होंने किसी से प्रोटीन लिया, भाई पेट में किडनी स्टोन हो गया, बताओ यार तैयारी के टाइम पे। एक छोटे से मैंने ये देखा है सप्लीमेंट वाले भी ना, काफ़ी लोग ऐसे हैं कि मतलब सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये ऊपर कमाने के चक्कर में कुछ भी गलत दे देते हैं। अगर आप क्लियर बोल दोगे ना बंदे को कि भाई ये चीज़ 500 रुपये महंगी मिलेगी, आप ये लो, 500 रुपये ऊपर तब भी मिल रहे हैं, लेकिन किसी को गलत तो नहीं जा रहा, किसी को हम तो नहीं हो रहा। अच्छा तरुण भाई सॉरी आपको बात काट रहा हूँ, आजकल ना एक बड़ा गंदी चीज़ चल रही है मार्केट में ना, बॉडी बिल्डिंग में ना, सब बच्चों को लग रहा है कि शायद उससे बॉडी बन जाती है, उसको टर्मिन बोलते हैं, कोई लोग एम बोलते हैं, कोई लोग कुछ। भाई मैं कह रहा हूँ मुझे रोज़ मारो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, मेरी बॉडी बना के दिखा दो, ठीक है। और ये कुछ नहीं है भाई, ये एक नशा है, ठीक है, लोगों को मज़ा आ रहा नशे करने में, ठीक है। अगर नशा कर रहे थे ना बॉडी बनाने का, तो बॉडी बनाने का नशा करो, इस चीज़ को मत करो। टर्मिन मार रहे हैं, एम्प मार रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 10-10 ML रोज़ का मार रहे हैं लोग यार। और उन लोगों से पूछो धीरे धीरे क्या होगा, हार्मोन्स ख़त्म, टेस्टोस्टेरोन ख़त्म, और बंदा अंदर से ख़त्म, ब्रेन ख़त्म, सब कुछ ख़त्म उसके अंदर। लोगों से ना जैसे कि कोई भी किसी को फेस कर सकता है ना, वो फेस करने की आदत ख़त्म हो जाएगी, वो डरने लगेगा लोगों से। भाई एक लड़का आया मेरे पास बहुत दूर से, UP साइड से, उसका जो बड़ा भाई था ना, उसको उसके ट्रेनर ने एम्प दे दिया, कुछ टर्मिन दे दिया, उसको इतनी आदत हो गई, वो दिन की 3 बोतल टर्मिन मारता है, 30 ml, और वो क्या करता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, वो ट्रेन ऊपर से चलते नीचे, उसके जो पुल है ना, पुल के नीचे सारा दिन बैठा रहता है डर के मारे, और फिर रात को घर जाता है, फिर टर्मिन मार के फिर लेटा रहता है। वो हॉस्पिटलाइज हुआ लड़का, आधा पागल हो गया। वो क्या होता है, टर्मिन आज आपने आधा ml मारा, जो भी एम्प, फिर 1 ml, फिर उसकी पावर और लगने के लिए कि और ले और ले और ले। तो भाई मैं बताऊँ, उससे बॉडी बनती है, आपने भी बॉडी बनाई, आप भी बहुत टाइम से जिम कर रहे हो, कभी इन चीज़ों से बॉडी बनती है? मैंने वीडियो भी करा है, मैं आपको भी बताता हूँ, शायद आपने वीडियो नहीं देखा, मैं एम्प एडिक्ट था, तो मतलब 2-3 महीने मैंने खूब दबा के एम्प लिया। मैं क्योंकि मुझे किसी ने बताया, मैं बता रहा हूँ 4 साल पहले की, तो किसी को एम्प का पता भी नहीं होता था कि एम्प होता है क्या। तो मैंने जब ट्राई करा तो मुझे किसी ने बोला कि यार इसको ना, अगर आप भूख नहीं लगेगी आपको, जैसे कि लोगों ने कैसे, बॉडी बिल्डर्स ने क्यों लेना शुरू करा, क्योंकि उनको था कि यार डाइटिंग के टाइम पर एक्सरसाइज नहीं होती, तो एक एम्प ऐसी चीज़ है, टर्मिन ऐसी चीज़ है जो आपको भूखे पेट में भी पूरी जान देता है, बिकॉज है तो आप अपने तरीके से ऑक्सीजन डाल रहे हो, राइट। मैंने कहा यार तो बढ़िया चीज़ है, तो मैंने एक छोटा सा ml डाला और भाई ऐसी एनर्जी, मैंने कहा यार ये तो कमाल है यार। फिर मैंने दोबारा तीसरा, तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मैंने ये रियलाइज़ करना शुरू, बॉडी को पता लग जाता ना कि यार जब मैं नहीं लेता था तो वर्कआउट नहीं होना शुरू हो गया, बंद मतलब होता ही नहीं था। फिर मैंने धीरे धीरे, जो आपने एग्जांपल दिया ना, मैंने रिलेट किया कि क्या हुआ, मेरी ना भूख मरनी शुरू हो गई, मेरे को भूख लगनी बंद हो गई, मुझे पता था कि यार मैं तो ये लूँगा, चीता बन जाऊँगा 1.5 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए, और स्वेटिंग इतनी होती थी, ऐसा होता था कि 1 घंटे में मैं टाइगर हो जाता था जिम में, बिल्कुल टाइगर हो जाता। लेकिन भाई 2 महीने बाद अपने दिल को मनाया, मैंने कहा भाई ये तो ड्रग एडिक्शन से भी बुरी नशा, बहुत अंदर से मैं खोखला होता जा रहा था भाई, क्योंकि ये चीज़ें आपको ख़त्म करती हैं भाई। 4 साल पहले का दिन था और आज का दिन है भाई, ना मैंने मुड़ के देखा उसको, मैंने कहा वर्कआउट ना करना मंजूर है लेकिन ये नहीं लूंगा कभी। भाई देखो आपने तो मारा हुआ है ना, मैंने तो सिर्फ इसके बारे में पढ़ा है, सोचा है, समझा है, ये तो नितिन आज तक भी मारो इसको, हमें पता नहीं क्या है यार तुम, मतलब बॉडी ऐसी क्या बनाना चाहते हो कि तुम नशे के एडिक्शन हो गए, इससे बॉडी बनती है? तो मैंने, आपने मारा है, बिल्कुल बनी ना, खत्म, जीरो। इससे अच्छा तो मेरे भाई प्रोटीन एक्स आता ना, प्रोटीन एक्स खा के बॉडी बना लो, अपने संतुष्टि तो रहेगी, कम से कम माँ बाप के तो अच्छे रहोगे। ये आपने अच्छा सवाल करा, मैं आपसे इसे यही सवाल करना चाह रहा था आगे कि भाई क्या है इस गेम में ना, आपको पता है नेक्स्ट लेवल जाने के लिए काफ़ी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट्स हो, एनाबॉलिक्स हो, लेकिन लड़के क्या होते हैं ना, कुछ भी ले लेते हैं बॉडी, आपने कहा बॉडी बनाने के लिए ये भी लूँ, टर्मिन से लेके दुनिया भर की चीज़ें, राइट। तो आप कैसे करते हो केयर, क्योंकि अगर आपको कैसे कहते हैं, अगर आपको लंबा खेलना है तो कम सामान, कम सामान, अगर आपको उससे भी ज़्यादा लंबा खेलना है तो उससे भी ज़्यादा कम सामान, बिकॉज
क्योंकि आपको ऐसी चीज़ लेनी है कि आप लंबे खेल सको। कि मेरे को, मैंने किसी का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने मुझे बात बोली थी, नाम नहीं लूँगा, कि भाई आजकल तो हर नए साल नया मिस्टर इंडिया मिस्टर दिल्ली बनता है, क्योंकि पुराना लड़का तो दिखता ही नहीं, वो इतना अब्यूज़ कर लेता है कि वो उसके बाद दिखता ही नहीं है, ख़त्म हो जाता है। तो आप कैसे इसकी तैयारी कराते हो नितिन की, कि ऐसे रहे कि बिल्कुल हेल्दी भी रहे, फैमिली भी ठीक रहे, हार्मोन्स भी बराबर बने रहे, तो कैसे रहते हैं? अभी जैसे ही इसका कंपटीशन ख़त्म होगा ना, तो देखो कंपटीशन में हम भी लेते हैं, पेप्टाइड भी लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, ठीक है, कुछ टैबलेट फॉर्म वगैरह भी लेते हैं। तो जैसे कंपटीशन ख़त्म, उसके बाद जो भी वॉशआउट वगैरह साइकिल चलती है, उसके बाद इसको कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ देसी खाना खा। देसी नहीं खाएगा तो जान नहीं आएगी, अगली बार तैयारी में जान नहीं आएगी और बड़ा नहीं होगा, समझ लो, और पहलवान बन जा, खा पी घी दूध वूध सब खा, पूरा ऑफ, पूरा ऑफ, बट डेढ़ महीने के लिए तू खा अपनी एक्सरसाइज 2 या 3 मार जितनी तुझ पे होती है, और कार्डियो कर और खा खूब खूब खा, चीज़ भी खा, पनीर भी खा, नॉन वेज कम और वेज ज़्यादा खा, मीठा मीठा कुछ भी। हाँ भाई, आपने देखा होगा अक्सर जो वेजिटेरियन लोग होते हैं ना, बहुत बड़े होते हैं, बड़े वॉल्यूम में बड़े होते हैं ना, माना कि मस्कुलर इतने नहीं होते लेकिन वॉल्यूम में बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो जब ये वेजिटेरियन खाएगा तो बहुत ज़्यादा खाएगा ना, बहुत ज़्यादा खाएगा, जब नॉन वेज से तो भूख मर जाती है लेकिन वेज से भूख नहीं मरती है, ये खाते ही रहेगा, तो क्या होगा, अगली बार और बड़ा हो जाएगा ना। और आप ये नॉन वेज खिलाते रहोगे ना, बॉडी के अंदर वहीं श्रिंक होती रहेगी, वहीं पर से मस्कुलर होने लगेगा, तो अगली बार बड़ा नहीं होगा। और यही हो रहा है लड़कों के साथ, हाँ यही हो रहा है कि भाई वेज वगैरह से दूर दूर हो गए, नॉन वेज। भाई 2 महीने सब कुछ छोड़ो, प्रैक्टिस करो, जैसे हमारी शुरुआत हुई थी तब, सोचो जब हमने टिप्स मारनी सीखी थी तो क्या करते थे, रोटी दूध घी हरी सब्जियाँ वब्जियाँ ये वो, तब क्या मज़ा आता था एक्सरसाइज में, आता था ना, और तब बॉडी बन रही थी। तो क्या करा है, 2 महीने के लिए उसको उस पर छोड़ दो, खाए पिए बंदा मस्त रहे, खाए पिए सोए और इस टाइप का खाए। बहुत बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। देखो आप इंडिया के जो बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हमारे वरिंदर घुम्मन वेजिटेरियन है भाई। हाँ प्योर फ्रेम देखा आपने उनका, मिला हुआ वेजिटेरियन सर से, मिला हुआ एक बारी, मतलब प्योर वेजिटेरियन। आपका क्या मानना है भाई कि नितिन हमारा वरिंदर भाई जो है ऐसा फ्रेम हो सकता है नितिन का जो इस टाइम है? देखो जी सर, मतलब देखो रियलिस्टिक बात करेंगे, हाँ उनकी हाइट बहुत है, फ्रेम स्ट्रक्चर बहुत चौड़ा है, बॉन स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, ठीक है। और देखो टाइम है उनका बहुत लंबा था, ठीक है। अगर हम शुरुआत करते हैं कि जब उन्होंने शुरू किया था तब उनके 2-3 साल की उनकी परफॉर्मेंस देखो, कि 3 साल में बंदा कहाँ था परफॉर्मेंस में, और 3 साल में ये बंदा कहाँ परफॉर्मेंस में, और अगले 5 साल में वो कहाँ थे और ये कहाँ था, इतने डिफरेंस से पता चल जाएगा हमें कि ये पहुँच पाएगा वहाँ पर या नहीं पहुँच पाएगा। आपको क्या लगता, मुझको लगता है कि आगे जाएगा वरिंदर भाई, से आगे जाएगा बिल्कुल। तो सुनीत, इसका टारगेट तो सुनीत है, मतलब मैंने पूछी थी, टारगेट नहीं है वो भी हमारे, ये इसके फेवरेट बहुत है सुमित सर। हाँ सुमित यादव सर इसके फेवरेट बहुत है, इसको मतलब किसी में इंडिया में बॉडी लगती है ना किसी की, तो सुमित यादव की लगती है। आपको क्या लगता है टाइगर भाई कि हमारा नितिन सुनीत को भी नज़र में तो आ गया है ये, राइट, सबकी देखो इंडिया में सबकी नज़र में इस टाइम ही है, क्या लगता है कितना टाइम लगेगा एज अ कोच कि ये सुनीत भाई के साथ जब खड़ा हो जाएगा? मैं तो चाहता हूँ इसी साल खड़ा हो जाए, अपना एक ड्रीम है, एटलीस्ट खड़ा तो फ्रेम में तो आए दोनों बराबर, देन अगली बार हमें भी पता चलेगी कि भाई सुमित सर हमें इनको नेशनल खेलने जा रहा है, मतलब से जा रहा है, हाँ नेशनल जा रहा है, जा रहा है नेशनल, हाँ। नेशनल में तो मुलाकात हो ही जाएगी मेरी, मुलाकात तो मुझे हर बारी करता है जब भी मिलते हैं ना, तो उनसे मुलाकात करता है, फोटो वोटो खिंचवाते हैं, विल बी गुड फन यार। आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि सुनीत भाई और नितिन भाई के क्या कंपटीशन, वो भी 27-28 साल के हैं, ज़्यादा है नहीं, बड़े नहीं है वो भी, बहुत मज़ा आएगा दोनों को देखने का, क्योंकि इस टाइम जो कहते हैं ना कि नेक टू नेक होगा, अब कुछ नहीं भाई, देखो बॉडी बिल्डिंग मुझे तो लगता है कभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, कब किसका क्या दिन आ जाए, क्या कंडीशन फॉर्म आ जाए, तो ये होगा। नितिन भाई जैसे लड़के देख रहे हैं आपको टाइगर भाई, उनसे आपको वो आपसे कुछ ट्रेनिंग चाहते हैं, कुछ चाह रहे हैं, तो कैसे आपसे टच में, आपका फ़ोन नंबर दूँ, आपका इंस्टाग्राम दूँ, क्या दूँ? बोल दो भाई कोटला में आ जाओ, टाइगर फिटनेस क्लब, किसी से पूछ लो, जिम तक छोड़ देगा। अच्छा वो तो ठीक है, पर टेलीफोन नंबर दिल्ली के, इंडिया के बाहर के भी होंगे, दिल्ली के बाहर के भी होंगे, इंस्टाग्राम है मेरा, इंस्टाग्राम है उसका, क्या अपना इंस्टाग्राम अपना भाई, sandy_besoya_tiger। अच्छा पहले भाई एक बारी मेरा इंस्टाग्राम किसी ने हैक कर ले भाई, प्लीज हैक वैक मत करो यार, ऐसे मत करा करो यार, कह रहा जब दूंगा जब पैसे देगा, अबे यार तो इंस्टाग्राम हैक कर लिया, इतने फॉलोअर्स थे सारे चले गए यार, कोई नहीं भाई देख के और आ जाएंगे भाई ऐसा। और इस वीडियो में लोग ये बोल रहे होंगे कि नितिन से शांत बैठा हुआ कुछ बोल नहीं रहा, तो नितिन से 1-2 मिनट बात करते हैं भाई। नितिन भाई पहली बात तो कंग्रेचुलेशन भाई, तुमने ओवरऑल टाइटल जीता, भाई ने तो बता दिया टारगेट क्या भाई, तो वो कह रहे हैं कि तुम मार दोगे चाहे वो वरिंदर भाई हो कुछ हो, तो तुम्हारी सोच क्या रहती है लेके कि यार क्या फोकस रहता है तुम्हारा? अपना करो बस, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो। तेरे को लड़के तो तंग काफ़ी करते होंगे, छोटे मोटे पुक करते रहते होंगे कमेंट में, अबे क्या है ये है वो है। अब कमेंट नहीं पढ़ता मैंने कमेंट पढ़ने बंद कर दिए, मैंने उस दिन भी बोली थी बात, तो मैंने हमने पहले वीडियो बनाया था और नितिन पढ़ रहा था, मुझे ना कमेंट्स पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, मैं देखता हूँ मैं और करता हूँ, तो क्या होता है ना इवेंचुअली
दिमाग पे चढ़ जाती है चीज़, फिर वो क्या होता है, आपने अपने फोकस से डाइवर्ट हो जाते हो। तुम अपने आप को फोकस कैसे रखते हो? बस देखता रहता हूँ बाहर के बॉडी बिल्डर्स को, ये तो बहुत आगे, अभी मैं तो कुछ भी नहीं। अच्छा। इंडिया में नहीं देखता, बाहर के देखते रहो बस। तो बाहर के बॉडी बिल्डर्स इतना देखता रहता है और फोकस रहता है, तो यही करना यार, नेगेटिविटी से दूर, कमेंट से दूर, अपने गोल पे, लक्ष्य पे नज़र। लक्ष्य तो बताया दिया टाइगर भाई ने, तो टाइगर भाई का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। टेलीफोन नंबर दूँ ना भाई? नहीं, टेलीफोन नंबर नहीं देता, आप परेशान कर दोगे, मुझे पता है। जैसे मैंने सुरेश भाई का दिया था, तो मैं इनका सारा इंस्टाग्राम, इनका जिम का एड्रेस सब डाल दूंगा। कोई भी क्वेरी हो, जिम में आ जाओ, बात करो इनसे, इंस्टाग्राम में टच में आओ, तो आई एम श्योर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इस वीडियो से आपको पता लग गया होगा कि एक चैंपियन कैसे बना जाता है और उसके कोच का क्या रोल होता है। भाई एक अपना लड़का है, पूरा दारूबाज था, मतलब अगर जो वो कहीं लाइक कहीं रात को या दो घंटे के लिए लेट हो गया ना, उसके घर वाले मुझे फ़ोन करते, बेशक मैं अपने घर सो रहा हूँ, कि भाई वो दीपक आपका नाम लेके गया था, कि आपके साथ ही है, तो मेरे को बोलना पड़ता है हाँ दीपक मेरे साथ ही है। मतलब वो ऐसे दारू पीता था कि वो जब कॉलेज का एग्ज़ाम दे रहा था ना, तो पापा स्कूटर पे छोड़ गया था और भंड था, एग्ज़ाम खत्म हो गया वो सो ही रहा है, इतना भंड रहता है। हाँ दीपक आइए भाई आगे, ये आपको दिखाता हूँ, ये दीपक, दीपक भाई भी हैं। हाँ भाई दीपक, इसके अलावा इस लड़के ने दीपक यहाँ आ जाएगा। हाँ खड़ा हो जाएगा। हाँ मेरे को ये शेरू क्लासिक भी मिला था, मैं अपने लड़कों को ट्रेनिंग के लिए वगैरह लगा रहा था 2 साल पहले, तो ये मेरे को देख रहा था, 2 दिन बाद ही यहीं आ गया, कह रहा भाई मुझे आपसे एक्सरसाइज करनी है ये वो। मैंने इसकी रिपोर्ट देखी, बहुत बीमार बीमार टाइप था ये, अंदर से बहुत दिक्कत थी इसको, मतलब ऐसा था कि स्टन डलने की दिक्कत आ गई थी इसको। फिर मैंने इसको तैयार व्यारे करानी शुरू आई, मैंने इसको साफ बोल दिया जिस दिन तूने दारू पी उस दिन तेरा नंबर ब्लॉक कर दूंगा और जिम में एंट्री बंद है। उस दिन का दिन है भाई, ना दारू पी ना। कितना टाइम हो गया? कितने हो गए दीपक? एक साल हो गया, डेढ़ साल। और ये बॉडी में आज उस लेवल पर है कि लोग मुझे बोलते हैं कि भाई अगर जो सुंदर बॉडी है ना किसी की, तो वो दीपक की है। क्या बात है, बॉडी में मतलब ब्यूटी इतनी है इसकी में कि जब ये तैयारी करता है ना, तो अंग्रेजी लगता है पूरी बॉडी स्ट्रक्चर से। तो इसका करेंगे भाई, तो हम दीपक भाई के एक स्पेशल वीडियो करेंगे, इनकी कैसी एडिक्शन थी, कैसे छुड़वाए, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा वो भाई, भाई। तो दीपक के भाई के साथ करेंगे, बिकॉज क्या है ना, ये टाइम हमने पूरा टाइम गुजार लिया, बहुत लंबा वीडियो हो गया, लेकिन एक दीपक भाई के साथ तो वीडियो करना बनता है, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में या कभी भी उसका एक वीडियो तो ज़रूर करेंगे। एंड आई एम श्योर, जैसे मैंने कहा, अगर कोई भी आपके कनेक्शन हो, कुछ भी आपको टाइगर भाई से जानना हो, मैं इनका सारे डिटेल्स जानूँ, डिस्क्रिप्शन में इनके पास आइए, एंड आई एम श्योर ये बहुत आपको हेल्प करेंगे।